स्टैंडर्ड हाय, दिस इज रचना मैम। आई होप आप सब लोग मस्त मूड में हो। और आई हैव कम अगेन विद अ फैंटास्टिक लेसन। कौन सा लेसन है? यस, द थ्री क्वेश्चंस। क्या आपने पढ़ा है? यस, अगर आप होशियार हो तो आप ज़रूर पढ़ोगे। अगर आप आलसू हो तो आप नहीं पढ़ोगे। फिर जो होशियार है उनके सिर्फ वैसे मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे कह रहे थे कि ये लेसन कहाँ तक पहुँचा। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम। उन्होंने देखा। आपको याद है ना वो स्टोरी? उसमें थ्री क्वेश्चंस है। राजा है, एक बियर्ड मैन है, ठीक है, और क्वेश्चंस के तीन सवाल है। कौन से सवाल है? हमेशा मैं नहीं बताऊंगी। जिन्होंने ये वीडियो देखा है, बार बार देखा है, उनको सब याद है। His hands were pressed against his stomach. उन्होंने उनके हाथ प्रेस किए थे। From which blood was flowing? Oh my God! Fainted मतलब lost consciousness. जैसे मान लो आप, मम्मा बोलते हैं कि आप दूध पियो और फिर स्कूल जाओ, तो आप नहीं मानते हो, तो फिर आप क्या करते हो? बेहोश हो जाते हो और fainted हो जाते हो, है ना? फिर घर पे जाके बताते भी हो, पता है मम्मा आज मैं आई वॉज फेंटेड टूडे, है ना? फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग एंड ही रीच द किंग एंड ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। द किंग एंड द मेरिट, ओके, किंग एंड द मेरिट क्या किया उन्होंने? रिमूव द मैन्स क्लोदिंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया? ओ, जो उनके कपड़े थे वो बच्चों उन्होंने रिमूव किए। और फिर बाद में एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक एंड द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ ने उन्होंने रीड्रेस्ड किया, मतलब ड्रेस्ड इट अगेन, है ना, ड्रेसिंग की उन्होंने। एंड द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ but the blood could not flow softly and the flowing was on and the king redressed. हम redressing करते वैसे उन्होंने redress किया and that would until at the last and the bleeding stopped. फिर उन्होंने क्या किया? देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया है, उन्होंने उनको ड्रेसिंग किया। द मैन फेल बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% ऑफ ब्लड चला गया था बच्चों, तो बहुत आपत्ति थी उनको। उनको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतना सारा ब्लड गया, फिर प्यास भी तो लगती है, प्यास लगती है, फिर इतना लॉस हो जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने बोला कि मुझे अभी बहुत प्यास लग रही है, तो आप मुझे पानी दीजिए, ठीक है। द मैन फेल बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक एंड द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। उन्होंने अच्छा तरोताज़ा पानी ला के उनको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुडन मैन, ओके, द वुंडेड मैन एंड इन टू द हार्ट एंड लेड हिम डाउन। फिर उन्होंने क्या किया? वो जख्मी इंसान को किंग लेकर ले जाकर उन्होंने ऐसे बिछो दिया उनको। द किंग ट्राइड बाय दिस वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड सेवरल थ्रू द नाइट। आराम से उन्होंने रेस्ट किया। व्हेन ही वोक अप इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, सिक्स पेज पे क्या था? व्हेन ही हैड, ये पिक्चर देख लिया आपने, आराम से देखिए कैसे उनको हमारे राजा जी साफ कर रहे, इतना सारा ब्लड गया। व्हेयर ही वाज एंड हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। ये देखिए बियर्ड क्यों बोला है? क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बियर्ड है, है ना, इसीलिए उनको बियर्ड मैन बोला है। फिर वेयर ही वॉज द स्ट्रॉन्ग बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, फिर वो बोलते मुझे माफ़ कर दीजिए, आई डिड नॉट नो एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, है ना, उन्होंने उनको सॉरी बोला, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु वोर रिवेंज ऑन यू, अरे अरे बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, सीज करना मतलब ले लेना फोर्सफुली, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, बट द डेज पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me and I escaped from him and I should have died if you had not dressed me। आपको याद है कि राजा थे, राजा के enemies तो कितने सारे होते हैं क्योंकि वो पूरी प्रजा को लेके चलते हैं बच्चों, तो ये महाशय कौन थे, सॉरी सॉरी जो बोल रहे थे बियर्ड वाले, वो कह रहे थे कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए क्योंकि हमने आपको मार देने का प्लान किया था बच्चों, और इससे क्या होता है आपको प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए उन्होंने बोला कि इनको मार दे के फिनिश करना था और उनका पूरा प्रॉपर्टी उनको सीज करना था। आपको मैं बोलूँगी कि टुक बाय फोर्स तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैम उनको आता है बोलना, बट आप बोलोगे सीज करना तो आपका लेवल हाई होता है, लोग बोलते कि ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, ये बहुत अच्छे रीडर है, इसलिए कहते बच्चों आप बेस्ट ऑफ द इंग्लिश बुक्स पढ़ो क्योंकि अभी आप 7th स्टैंडर्ड में आए हो, ठीक है 7th स्टैंडर्ड, बहुत बहुत रीडिंग कीजिए, बाहर घूमने मत जाइए, घर पे रहिए और जो आपको आता है वो आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए, क्योंकि अभी कोविड का समय है तो आप बाहर जाएंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। फिर नेक्स्ट हम बताएंगे कि आई विश टू किल यू, वो बोल रहे हैं, वो कन्फेशन कर रहे कि मैं आपको मार देने वाला था एंड योर वे होम, बट क्या हुआ वहाँ पे वो छुप गए और उनका जो बॉडीगार्ड था राजा जी का, उन्होंने उनको पकड़ के मार दिया, एंड नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, फेथफुल मतलब लॉयल होना एंड ट्रू रहना, जैसे कुछ दोस्त कैसे ट्रू होते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप ही के रहेंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि किंग को बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका फेथफुल सर्वेंट होके रहूँगा और मेरे बच्चों को भी मैं यही सीख दूँगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली एंड आई हैव वन हिम ओवर अ फ्रेंड, ही ओनली नॉट ओनली फॉरगिव हिम but said he would send his servants and his own doctor to look after him। तो राजा जी ने भी बहुत खुश हुए कि राजा जी को पता ही नहीं था कि इनके ये तो दुश्मन हैं, फिर इन्होंने उनको बहुत सारा ब्लेसिंग दिया और बोला मेरे खुद के डॉक्टर को मैं आप तक पहुँचा दूँगा और आपकी अच्छी सी आपको अच्छे कर देंगे वो, ठीक है, और दवा दारू सब देख लेंगे। Leaving the wounded man, the king went out on the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees and sowing seeds in the bed that had been dug in the day before. उस वहाँ सीड्स थे जो उन्होंने ऐसे खड्डा खोद के डाल दिए थे बच्चों। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई वुड बेग टू यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज, ओके। तो इसमें क्या है, लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि लास्ट पेज में हम अभी आपको क्या करेंगे, मुझे जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे आप बताइए, ठीक है। तो
ऐसे करके वो उनको पूछते हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, टिल बेंडिंग डाउन ऑन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप टू द किंग ही स्टूड बिफोर हिम, हाउ हैड आई आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट, इफ यू हैव नॉट pitied my weakness yesterday and I had not dug these beds for you, you would have not gone away. वो कह रहे हैं कि अगर मैंने खद्दा खोद के नहीं रखा होता ये वाला तो आप नहीं जाते, है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो द मैन वुड हैव बीन अटैक्ड यू, अगर आप रुकते नहीं थे, वीकनेस नहीं होता आपको, तो आदमी ने आपको मार दिया होता. ऐसे हर्मिट बोलने लगे, एंड सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड एज वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर caring for him because you could not have dressed his wounds. वो कह रहे कि आप इतने ज़्यादा important हो और इतने ज़्यादा busy हो गए थे तो उनके wounds आप साफ़ कर रहे थे, ऐसा कौन बोल रहा था, hermit बोल रहे थे, किनको, राजा को, है ना. So he was the most important man and what you did for him was the most important business. Remember then, there is only one thing that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. Important time कौन सा है, वो जो अभी है, right time है. आप किसी को good भी feel करा सकते हो, आप किसी को bad भी feel करा सकते हो. तो right time कब होता है बच्चों, जब आप किसी को गुड फील कराते. तो कहानी का सारांश ये है, इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है जिनको आप पर्टिकुलर मोमेंट देते हो. जैसे आप मेरे सामने हो अभी, तो मैं मेरी ज़िंदगी के कुछ पल आपके साथ बिता रही हूँ, तो मैम आपको पूरा जीवन का जो मोमेंट है वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है. सो फॉर नाउ नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर and whether we will meet anywhere, क्योंकि हमको पता नहीं है बच्चों कि आप मुझे मिलोगे, मैं आपको मिलूँगी, कब मिलूँगी नहीं पता. बट ये एक वीडियो है, उसके ज़रिए मैं आज आप तक पहुँच पा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो. तो बच्चों ये आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये लेसन में लियो टॉयसन जो है, इन्होंने अपने को लेटर में बोला है कि मैम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन द वर्ल्ड फॉर द पर्पज, फॉर दैट पर्पज अलोन. तो बहुत ब्यूटिफुल ये वाक्य रचना है बच्चों, कि आपको भगवान जी ने अच्छा काम करने के लिए दुनिया में भेजा है, ठीक है, टाइम पास करने नहीं भेजा है. जितना आप पुण्य कमाओगे, जितना आप अच्छा सबका करोगे, उतना ही आपका भला होगा ऑटोमेटिक. आपके दुश्मन भी दोस्त में परिवर्तन हो जाएंगे, आपकी जो भी कठिनाइयाँ आती है, बाधाएं आती है, आज आप देख रहे हो ये दुखी वो दुखी, क्यों, क्योंकि लोग सेल्फिश हैं, लोग किसी को मदद नहीं करते, इसीलिए लोग दुखी हैं. तो आप अगर सबको हेल्प करोगे तो आपका दुख नहीं रहेगा ज़िंदगी में, जीवन में आप आगे सफलता पाओगे. सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अभी आप लेसन 5 बार रीड करना, इसके हार्ड वर्ड्स लर्न करना और इसके मीनिंग्स, जब हम मिलेंगे मैं आपको पूछूंगी, और ये नोटबुक में आपको लिखना है. थैंक यू.